नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का इस इंग्लिश चैनल पे स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके रिस्पांस के लिए। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस हमें दिया है और आपका प्रेम ही अच्छी अच्छी बातें हम आपको छोटी छोटी ट्रिक्स में आपको समझा रहे हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से एक विनती है कि ये वीडियो आप आखिरी तक देखें। मैं डेफिनेटली मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर बेहद खुश होंगे, क्योंकि इसमें इतनी इजी ट्रिक्स से आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ। आज हम जानेंगे एबल टू का उपयोग किस तरह से किया जाता है और उसके बारे में आसानी से ये ट्रिक के द्वारा समझाते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि एबल टू किस तरह से आप समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए, यूज ऑफ एबल टू इसको हम जानेंगे किस तरह से कि एबल टू का यूज अगर आप सेंटेंस में करते हो तो आपको पहले तो रिमूव कैन एंड कुड जो कि सेंटेंस में आता है उसको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आई कैन डू इट, इसमें ये आपका क्वेश्चन आएगा यूज एबल टू। इसको आपने यूज एबल टू करना है, वहां पे यूज करना है। तो कैसे करेंगे, यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, आपको कुछ बाकी कुछ करना नहीं, सेंटेंस में जो कैन आया है उसको वहां से निकालना है। यहाँ पे देखिए कैन आया है, इसको हम निकाल रहे हैं और उसकी जगह सिर्फ एम और एबल टू लिख के आपको बाकी का सेंटेंस जैसे का वैसे लिखना है। इतना आसान तरीका है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको इस सेंटेंस में आपको कैन भी आता है और कुड भी आता है, ये दो सेंटेंस यहाँ पे आएंगे। तो इस किसको इन दोनों किस तरह से आप करते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है, पर इसके लिए करना कैसा है इसके लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये दो जो बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है सेंटेंस देखने के बाद, आप इन दो बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखोगे तो सही ढंग से आप ये सेंटेंस इजी तरीके से कर सकोगे। इसमें देखिए कि शुरुआत में आएगा आपको सेंटेंस में कैन दिखेगा, तो कैन अगर आपको दिखेगा तो उसको निकाल कर जो कैन है उसको कैन को निकाल कर आपको क्या लगाना है, इज एम आर जो सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे आया है तो हमने एम का इस्तेमाल किया है, उसी तरह से आपको अगर यहाँ पे ही शी ईट आता है तो इज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अनिकवचनी यानी बहुवचनी आता है तो वहां पे आपको आर का इस्तेमाल वहां पे करना पड़ेगा। अगर ये आप करते हो इज एम आर यानी कैन को निकाल के इज एम आर वहां पे से एक लगाना है आपको, फिर बाद में जो यानी एबल टू को वहां पे प्लेस करना है सही ढंग से, जैसे आपने यहाँ पे किया है कैन को निकाल के आई के बाद कैन को रखा, फिर बाद में एबल टू को रखा, फिर बाद में जो सेंटेंस दिया बाकी जैसे कि वैसे वहां पे लिख के रख दिया। इसी तरह से आप सेंटेंस में आपको कुड का भी यानी निकाल कर कुड भी दिखेगा, उसको निकाल कर आपको वॉज अवेयर इन दोनों में से आपको रखना है, और जो लगता है सब्जेक्ट को जो कुछ लगता है वॉज लगेगा तो वॉज लगाना है, वेयर लगेगा तो वेयर लगाना है, फिर बाद में उसके बाद एबल टू लिखना है और ये बात जैसे कि वैसे लिखना है। जैसे आप ये देखा है, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एबल टू अगर आपको प्लेस करना है यूज उसका एबल टू का करना है तो आपको दो बातें ध्यान में रखना है कि सेंटेंस में आने वाले कैन और कुड को निकालना है, बाद में अगर कैन आता है इज एम आर में से एक आपको लगाना है, साथ में एबल टू का इस्तेमाल उसके साथ करना है। अगर कुड सेंटेंस में आता है तो आपको वॉज एंड वेयर उसके साथ एबल टू का इस्तेमाल वहां पे करना है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी एक सेंटेंस दिया हूँ शी कैन लिफ्ट द वैन, यहाँ पे देखिए कौन सा है कैन आया है, यहाँ पे कैन आया है तो इसकी वजह से आप लोगों को क्या करना है कैन इसको निकालना है और उसके साथ इज एम आर। अभी देखो यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट आ गया शी, तो कैन के बाद लगे एम तो नहीं लगेगा आर नहीं लगे, फिर क्या लगेगा इज शी इज, बाद में आपको क्या लगाना है इज एम आर में से एक लगा के बाद में एबल टू लगाना है, शी इज एबल टू, बाद में जो सेंटेंस बाकी रह चुका है उसको जैसे कि वैसा वहां लिखता है, जैसे लिफ्ट लिफ्ट द वैन, ये हो गया आसानी से। बिल्कुल आपको क्या करना है ध्यान में, अगर कैन या कूड आता है कैन आता है तो इसे हमारा आपको लगाना है, फिर एबल टू, अगर कूड आता है तो वॉस वेयर में से लगाना है और फिर बाद में एबल टू। यहाँ पे और एक मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है शी कुड फिनिश वर्क, इसमें देखिए शी आया है सब्जेक्ट, कुड आया है, कुड आया है क्या करना पड़ेगा कुड को निकाल कर उसमें से वॉस वेयर को लगाना है, बाद में एबल टू वहां पे लगाना है, शी आया तो शी को लगेगा वॉस वहां पे लगेगा वॉस शी वॉस, बाद में क्या लगाना है एबल टू, तो शी वॉज एबल टू फिनिश फिनिश वर्क, ये हो गया सेंटेंस शी वॉज एबल टू फिनिश वर्क पूरी तरह से आराम से। बिल्कुल क्या किया आपने, यहाँ पे आया वाला कुड निकाल दिया है, कुड निकालने के बाद कुड पास्ट टेंस में होने के कारण वॉज एबल कंस्ट्रक्शन वहां पे हो गया, फिर बाद में एबल टू का वहां पे यूज आपने किया। इसी तरह से यहाँ पे और एक सेंटेंस है दे कैन कट ट्रीज, यहाँ पे भी क्या आया है कैन आया है, कैन आया है यानी क्या करना पड़ेगा कैन आया है तो आपको कैन को निकाल कर किसी हमारे से कुछ लगाना है, कैन दे
दे आया है बहुवचनीय होने के कारण, प्लूरल फॉर्म होने के कारण आप यहाँ पे लगाएंगे आर, दे आर। फिर बाद में क्या लगाना है, एबल टू, एबल टू, ये लगा दिया एबल टू। एबल टू के बाद में अपन जो कुछ सेंटेंस है उसको उसी तरह से प्लेस करना है, जैसे कट ट्रीज, ये हो गया सेंटेंस ने, दे आर एबल टू कट ट्रीज। अभी और एक सेंटेंस है यहाँ पे आ गया, वी कुड सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे आ गया कुड। देखिए कुड आने के कारण अपन को क्या लगाना है, कुड अगर आता है तो वॉज वेन मैसेज लगाना है, बाद में एबल टू उसको निकालना है, कुड को इसको निकाल के फिर क्या होगा, वी कुड, कुड की जगह क्या लगाना है, वॉज वेर, इसमें वी क्यों लगेगा, वेर, वी वेर, बाद में क्या लगाना है इसके, एबल टू, एबल टू। फिर बाद में जो सेंटेंस बाकी रह चुका है उसको जैसे के वैसे लिखना है, सिंग अ सॉन्ग, ये हो गया पूरा सेंटेंस। इसमें आपने क्या किया, सिर्फ कुड को निकाल के वहां पे वेर एबल टू का इंस्टॉलेशन वहां पे क्या यूज किया है। फिर बाद में और एक सेंटेंस आपको है, यहाँ पे भी आ गया कुड। देखिए अगर कुड आता है तो क्या करना है आपको, कुड आता है तो वॉज वेर का इस्तेमाल करना है, बाद में एबल टू का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए आई वॉज, फिर बाद में क्या लिखा है, आई के बाद वॉज, फिर बाद में एबल टू, अभी एबल टू, बाद में बाकी वाला सेंटेंस जैसे के वैसे। यहाँ पे हो गया प्ले क्रिकेट, ये हो गया पूरी तरह से आपका सेंटेंस। अभी आपको ध्यान में आ गया होगा अगर सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं उसमें अगर क्या आता है तो आपको एग्जाम में से कुछ लेना पड़ेगा और फिर बाद में एबल टू का वापस इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कूड आता है तो वॉज वेयर इसमें से आप एक ले लो और बाद में एबल टू लगा दो, फिर बाद में जो बाकी वाला सेंटेंस है जैसे कि वैसे लिखना है। और इसी तरह से आप आसानी से बिल्कुल एबल टू का इस्तेमाल सही ढंग से कर सकते हो, वो भी कैन कुड को रिमूव करके। एक आसान तरीके से मैंने आपके सामने एबल टू किस तरह से इस्तेमाल करना है इसके बारे में आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों के पास भी पहुंचे। धन्यवाद।